सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो लोग भी हमारे WBJ के एग्जाम दिए हो, एक क्वेश्चन जो है देखिएगा, जितना काउंसलिंग आगे आएगा ना, रिजल्ट जितना आगे आएगा आपके मन में आएगा, वो क्वेश्चन है भैया हम लोगों को जादवपुर में टॉप ब्रांचेस लाइक CSE, IT, ECE ये ब्रांचेस नहीं मिल रहा, लोअर ब्रांचेस लाइक प्रिंटिंग, पावर, ये सब ब्रांचेस मिल रही है। समझ लो आपका रैंक कुछ 4000 5000 के आसपास है जनरल कैटेगरी को, और ये सारे रैंक में आपको ये सारे ब्रांचेस मिल रही है, और दूसरी तरफ हमको CU में ECE मिल रहा है, IT मिल रहा है, KGSE में CSE मिल रहा है, JGSE में CSE मिल रहा है। तो भैया क्या करना चाहिए, JGSE, KGSE, CU का जो CSE, IT, ECE ये हमको लेना चाहिए, और अदर दिन हमको कैलकाटा यूनिवर्सिटी को और JGSE, KGSE को छोड़ के JU में जो लोअर ब्रांचेस है इसको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दो चीज, ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में। तो चलिए आपको जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने का मैं ट्राई करता हूं, बट उससे पहले चैनल पे जो लोग आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को मस्ट ऑन कर लो, बिकॉज आकाश टीम एजुकेशन पे आपको ऐसे ही WBJE के हर एक अपडेट मिलती रहेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जितना दूर हो सके अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर दो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, अनअकैडमी जो इंडिया का टॉप एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग के लिए आ रहे हैं IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज। इस सुपर 30 टेस्ट सीरीज पे आपको ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जहाँ पे टॉप 50 विनर्स को लकी वाउचर्स मिलेगा, गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा, एंड एज वेल एज 50,000 तक प्राइज मनी भी यहाँ पे आपको मिलेगा। नियम क्या है, नियम बहुत आसान है, 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप एनरोल हो सकते हो यहाँ पे, यहाँ का जो एनरोलमेंट है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट आपको यूज करना पड़ेगा हमारा कोड जो यहाँ पे आपको देख रही है ATE10। प्लीज सब लोग यूज करना ATE10 हमारा कोड, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो डेली प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ जो टॉप एडुकेटर्स हैं उन लोगों का स्ट्रेटर्जी वीडियो, ये सब चीज इंस्टेंट रिविजन वगैरह सब चीज JEE 2022 के लिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, जहां पे इंडिया का टॉप एडुकेटर्स है, आप लोग जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ो और अनअकैडमी के साथ जुड़ के ये टेस्ट सीरीज दो। हर दिन शाम को 6 बजे से एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, नियम मैंने बोल दिया 30 मिनट्स 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सुपर 30 कुछ लकी विनर्स के नाम भी आप देख सकते हो, आप लास्ट मंथ पे जो लोग हुए थे यहाँ पे सब नाम हमने मेंशन करके रखी है, आप लोग ये स्टूडेंट्स को देख सकते हो, इन लोगों को देख के आप इंस्पायर भी हो सकते हो कि इन लोगों की तरह आप भी 50,000 तक जो है प्राइज मनी जीत सकते हो। एनरोल करो अपने आप को, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज करो हमारा कोड ATE10 टू गेट ऑल दिस थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाँ, ये जो कॉरिडोर होती है ना, नियर अबाउट 3000 से लेके 5000 को, इसको मैं अनसर्टेनिटी का कॉरिडोर बोलता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, बट मैं ट्राई करता हूँ आपके डिसीजन लेने में थोड़ा सुविधा होगी, मैं आपको खोल के बोलता हूँ। देखिए, अगर आप लोग ढूंढ रहे हो एक टैग, आपका कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है, आप चाहते हो मुझको बीटेक करना है, बट कोई स्पेसिफिक ब्रांच आपको आपने सोच के नहीं रखा, आपका ड्रीम कॉलेज है JU, देन यू विल गो फॉर JU, ठीक है। आपको JU में तभी जाना चाहिए जब आपका सिर्फ और सिर्फ ड्रीम है JU में जाना, किस ब्रांच में जाए ये मायने नहीं रखता, मतलब किस ब्रांच से आप बीटेक कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। अगर आप इस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हो तो देन यू विल गो फॉर JU, बट आपको समझना पड़ेगा अगर आपका ड्रीम है CSE, If your dream is CSE, only CSE, and if your dream is IT, only IT, or EC, only EC, अगर ये branches आपका specifically dream है, तो मैं आपको बोलूंगा कि उस टाइम पे लोअर ब्रांचेस को छोड़ के, वो टैग का लोभ जो है, वो टैग का आशा को छोड़ के आपको जाना चाहिए KGSE, CU और JGSE, जहां पे आपको मिल रहा है। ये सारे कॉलेजेस भी टॉप ब्रांचेस और CSE, IT, ECE में अच्छा फल करती है, अच्छा प्लेसमेंट देती है। नॉट ओनली आप लोग ये सोच के बैठे हो कि CU मतलब JU मतलब सब कुछ, नो भाई, JU मतलब सब कुछ नहीं। देखिए, जब आप इस फील्ड में आओगे, बीटेक में आने के बाद एक चीज समझ पाओगे ना, कि जो कंपनीज है ना, और आप JU में रहो कि KGSE में रहो कि JGSE कोई प्राइवेट कॉलेज में चाहे रहो, आपका पोटेंशियल देखे ना, वो आपको एकदम बजा के उसके बाद ही लेगी, ठीक है। इंटरव्यू में आपको अच्छी तरीके से आपको बजाएगी और बजा के देखेगी कि आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है और नहीं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज से भी 30 लाख का पैकेज ला सकते हो, और अगर आपके अंदर पोटेंशियल जो क्रिएट करना पड़ेगा 4 साल में, जो
जो बेस आपका क्रिएट करना पड़ेगा, नॉलेज, सब्जेक्ट का डेप्थ, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सब अगर आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस 4 साल में, आपको ध्यान रखना है इस चीज के ऊपर। अगर आप क्रिएट कर पाए तो कोई एक प्राइवेट कॉलेज से भी जाके आप 30 लाख का पैकेज ला सकते हो, और अगर ये क्रिएट आप नहीं कर पाए तो जेओ का टैग भी आपको मतलब एक थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगी, बट थोड़ा बहुत हेल्प कर भी पाएगी, बट बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, 5 से लाख के पैकेज में आप लोग अटक जाओगे। तो ये एक चीज आपको दिमाग पे रखना चाहिए कि भाई मुझको पहला चीज जो देखना चाहिए वो जेओ नहीं, पहला चीज जो चीज आपको देखना चाहिए वो आपका खुद का पोटेंशियल जो 4 साल में आपको बिल्ड करनी है। तो अगर आपका खुद में वो कॉन्फिडेंस है कि 4 साल कॉलेज में जाके हम लोग वो पोटेंशियल क्रिएट कर पाएंगे, तो मुझे लगता है सीयू जेजीसी केजी इज द बेस्ट प्लेस, ठीक है। दूसरा एक चीज, अगर जेयू में लोअर ब्रांचेस पे आप लोग जाओ तो क्या भैया जो कंपनी सीएससी आईटी के लिए आती है क्या उनमें हम लोग प्लेसमेंट के लिए बैठ नहीं सकते? बैठ सकते हो, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उस टाइम पे आपको कोडिंग वगैरह का जो नॉलेज है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। कोडिंग का नॉलेज आपको एक्स्ट्रा से टाइम देना पड़ेगा, इंटरव्यू सेशन एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा। एक सीएससी स्टूडेंट्स को जितनी चांसेस मिलेगी कंपनी से, कंपनीज आपको लाइक आप पावर प्रिंटिंग में हो आपको उतना चांसेस नहीं देगी। तो आपको खुद से खुद को बिल्ड करना पड़ेगा, खुद को कोडिंग एक्स्ट्रा करके अच्छी तरीके से कोडिंग को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करना पड़ेगा, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सीएससी के जो आपके दोस्त हैं उनके साथ मिलके आपको उनका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि सीएससी में इंटरव्यूज कैसे होते हैं। तो अगर आप खुद को प्रिपेयर कर पाओ, कंपनीज कोई बाउंड कोई लिमिटेशंस ऐसे नहीं देती कि अगर आप सीएससी में ओनली हो तो आप इंटरव्यू बैठ पाओगे, ऐसा नहीं है। सीएससी के कोई भी कंपनी सीएससी के प्लेसमेंट के लिए अगर आए तो अगर आप पावर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से भी हो तो आप लोग बैठ सकते हो। तो अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस है, इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव दैट गट्स कि हम लोग लोअर ब्रांच पे भी जाए जीओ में, बट हम लोग खुद को बिल्ड कर पाएंगे और बिल्ड करके जा पाएंगे, मतलब टॉप जो कंपनीज है उसके प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप अब जा सकते हो जीओ में। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, अगर आप लोग डेडिकेटेडली फैक्टर्स को जो है देखो तो मुझे लगता है उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओनली जीओ का नाम सुना चला गया कोई भी एक ब्रांच पे ये मत करो। मैं जो फैक्टर्स आपको बोला ये फैक्टर्स पहले एक बार पूरा देख लो, पूरा सोच लो, उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर आपके डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बट चलिए, और भी कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।